हमने अभी तक क्या किया, हमने डॉट प्रोडक्ट किया या स्केलर प्रोडक्ट किया, जिसकी वैल्यू क्या थी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वॉज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो वेक्टर के दो प्रोडक्ट्स हैं, एक तो स्केलर जो हमने कर लिया, वेक्टर का एक और प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आपको जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो जो आंसर आता है वो एक वेक्टर आता है, वो एक स्केलर नहीं आता। जो आंसर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट के बाद वो स्केलर नहीं आएगा, वो वेक्टर आएगा। तो क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट को करना कैसे है, मान लो आपके पास फिर से दो वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और एंगल बिटवीन देम इज थीटा। आपको इस बार क्या निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पहले हमने क्या निकाला था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता था, ए बी कॉस थीटा। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस नहीं साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो डॉट प्रोडक्ट में कौन सा एंगल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कॉस, और क्रॉस में क्या यूज करते हैं, साइन। पर क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक वेक्टर प्रोडक्ट है, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, अगर मैं यहीं तक छोड़ दूं तो ये तो नंबर्स हैं, ये तो स्केलर हो गया, तो पीछे डायरेक्शन के लिए मुझे कोई यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा जो इसकी डायरेक्शन बताएगा रिजल्ट की, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं या वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट में जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर आता है। और वेक्टर किसे बोलते हैं, जिसकी कोई डायरेक्शन होती है। अब डायरेक्शन कैसे, मान लो जो आंसर आया वो मान लो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आया, तो पीछे क्या कैप लगेगा, आई कैप। अगर वो वाई एक्सिस के लॉन्ग आता तो जे कैप, जेड के लॉन्ग आता के कैप, ए वेक्टर के लॉन्ग आता ए कैप, बी वेक्टर के लॉन्ग आता बी कैप। अब पता नहीं पेपर में क्या आएगा या क्वेश्चन में क्या आएगा, तो मैंने इन जनरल क्या लिख दिया, एन कैप। अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा ये एन कैप क्या है, क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे निकलेगा एन कैप। तो फॉर्मूला क्लियर है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और पीछे क्या लगेगा, एन कैप, जो इसकी क्या बताएगा, डायरेक्शन। क्लियर है यहां तक। अब करना कैसे इसे सॉल्व, इसको देखते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया, हमारे पास तीन यूनिट वेक्टर्स हैं, एक आई कैप है, एक जे कैप है और एक के कैप है, तीनों आपस में 90 डिग्री पे हैं। आपको क्या निकालना है, सपोज आई क्रॉस जे, जैसे हम आई डॉट जे निकालते हैं, ऐसे आई क्रॉस जे। क्या फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज वन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इज वन इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड जे। आई और जे में एंगल कितना है, 90, तो साइन ऑफ कितना, 90। तो यहां तक तो क्लियर है। अब पीछे क्या लगेगा, एन कैप लगेगा। एन कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। अब ये डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, इसको देखते हैं। डायरेक्शन के लिए आपने अपना राइट हैंड यूज करना है। राइट हैंड कहां से कहां, इसकी चार फिंगर्स हैं और ये थंब है, चार फिंगर्स इकट्ठी, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। तो आपने चार फिंगर्स को आई पे रखना है क्योंकि आई क्रॉस जे है। अगर जे क्रॉस आई होता तो चार फिंगर पहले किस पे रखी जाती, जे पे क्रॉस आई। तो आपने, आपको क्वेश्चन में कहा गया आई क्रॉस जे, तो चार फिंगर्स को आप आई पे रखें, क्रॉस जे का मतलब इसको फोल्ड करके जे पे लेके आए, तो आई क्रॉस जे। थंब कहां रहे, बाहर, ये थंब बाहर है, थंब आपको एन कैप बताएगा। फिर देखो आई क्रॉस जे, थंब बाहर है। अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ये कौन सा एक्सिस है बोर्ड के बाहर, जेड एक्सिस है, के कैप है। तो क्योंकि आई क्रॉस जे में थंब कहां रहे, बाहर, और बाहर कौन सा कैप है, के कैप है, जेड एक्सिस है, तो पीछे क्या लगेगा, यहां पर के कैप लगेगा। इस डायग्राम से ज्यादा बेटर, शायद ये ज्यादा बेटर रहेगा, ये देखो कि मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। मान लो मेरे को क्या कहा गया, आई क्रॉस जे, चार फिंगर आई के ऊपर क्रॉस जे तक, थंब कहां रहे, बाहर, बाहर कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस, तो आई क्रॉस जे आपको क्या देगा, के। अच्छा, अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरे को जे क्रॉस के निकालना है, ये जे है ये के है, चार फिंगर जे से स्टार्ट होंगी, क्रॉस के, के, तो थंब कहां पर आ रहा है, एक्स एक्सिस, तो क्या आएगा, आई कैप। डायरेक्शन आएगी आई कैप। अच्छा, सपोज करो मेरे को के क्रॉस आई निकालना है, तो के, ये रहा के कैप, क्रॉस आई, के क्रॉस आई, थंब कहां आ रहा है, जे कैप।
तो आपने एक चीज़ नोट की, अगर आई और जे लेते हो तो तीसरा के आ जाता है, जे के लेते हो तो फिर आई आ जाता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, पर ये रूल समझ में आ रहा है? रूल इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको, रूल नहीं मिस कर सकते। हाँ वो अलग बात है, अपने मन में शॉर्टकट बना सकते हो, आई और जे के आ गया, जे और के आई आ गया, पर ये रूल इंपॉर्टेंट है। ये रूल कई क्वेश्चन में आगे आने वाले टाइम में यूज़ भी होगा, रादर एक और क्वेश्चन आज मैं पूछूंगा उसमें भी यूज़ होगा। तो ये रूल नहीं भूलना, बेसिक रूल। तो बेसिक रूल क्लियर है? तो आपने क्या किया इसमें, राइट हैंड लिया और आपने राइट हैंड से जब आपको क्वेश्चन में कहा गया आई क्रॉस जे, तो आपने आई से जे तक फिंगर्स को फोल्ड किया और थंब के की तरफ आया, तो पीछे क्या लग गया, के कैप। फिर जैसे जे क्रॉस के, मैग्नीट्यूड ऑफ जे इज़ वन, के इज़ वन, साइन ऑफ एंगल बिटवीन जे एंड के इज़ 90। और जे और के, अब जे और के में मैंने अभी आपको करके भी दिखाया, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। आपको इसमें क्या करना है, जे क्रॉस के, जे कहाँ पर है, ये रहा, के कहाँ पर है, ये रहा। तो जे क्रॉस के की तरफ, जे से के की, थंब कहाँ पर आ रहा है, एक्स एक्सिस, तो पीछे कौन सा कैप आया, आई कैप। फिर जैसे मान लो के क्रॉस आई, मैग्नीट्यूड ऑफ के इज वन, आई इज वन, साइन ऑफ के और आई के बीच में 90, फिर के क्रॉस आई, फिर से एक बार, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो के क्रॉस आई, ये के है और ये आई है, तो के क्रॉस आई, थंब कहाँ पर आ रहा है, ऊपर, ऊपर कौन सा कैप है, जे, तो आंसर क्या आएगा, जे। हाँ वो अलग बात, आप ऐसे याद कर सकते हो, आई क्रॉस जे विल गिव के, जे के विल गिव आई, के आई विल गिव जे। और अगर आप आई क्रॉस आई करते हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज वन, आई इज वन, एक वेक्टर आई कैप का खुद के साथ एंगल क्या आएगा, जीरो। आई कैप का आई कैप के साथ एंगल क्या होगा, जीरो, साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो आंसर क्या आएगा इसमें, जीरो। जे क्रॉस जे में अगेन एंगल क्या बनेगा, जीरो, आंसर इज जीरो। के और के में भी एंगल क्या बनेगा, जीरो, आंसर इज जीरो। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो इसके अंदर आई क्रॉस जे और ऐसे ही जे क्रॉस आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, ये सारे फॉर्मूलास इस तरह काम करेंगे। पर कैसे बने फॉर्मूलास, क्लियर है? ऐसे थंब रूल लगाने की बजाय एक शॉर्टकट है, ये ज्यादा बेटर शॉर्टकट है। आप लिख लें सीक्वेंस में आई जे एंड के, आपने ऐसे ही चलना है सीक्वेंस में, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये और ये। कैसे, जब आप आई से जे चलेंगे, आई क्रॉस जे विल गिव के, जे क्रॉस के विल गिव आई, और के क्रॉस आई विल गिव जे। तो ये एरोज ही आपको आंसर देते जा रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो ये तीनों फॉर्मूलास क्लियर हैं। अब एक चीज और नोट की जाए इसमें, क्या कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, मैंने अगर आपसे ये पूछा कि फाइंड आई क्रॉस जे, ये रहा आई, ऊपर रहा जे, तो आंसर क्या आएगा, के, ऐसे आएगा आई क्रॉस जे विल गिव के, राइट। अब मेरा क्वेश्चन है कि जे क्रॉस आई क्या आएगा, ये लो चार फिंगर जे पे ले जाएं, क्रॉस क्या करना है, आई, तो आई कहां पर है, नीचे, थंब कहां आ रहा है, इनसाइड, माइनस के, क्योंकि आई क्रॉस जे क्या है, के, तो जे क्रॉस आई क्या है, माइनस के, थंब अंदर जा रहा है। तो एक शॉर्टकट याद रखना कि जब आपका सीक्वेंस चेंज होता है, ये करने की जरूरत नहीं है थंब रूल, आई क्रॉस जे अगर के होता है ना, और अगर मैंने इनके ऑर्डरिंग चेंज कर दी जे क्रॉस आई, तो आंसर के की जगह क्या हो जाएगा, माइनस के। ऐसी जे क्रॉस के अगर आई होता है तो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, माइनस आई। ऐसी अगर के क्रॉस आई जे होता है तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस जे। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो बहुत सिंपल है थंब रूल, जल्दी जल्दी लगाने की जरूरत पड़ती नहीं, हमें समझाने के लिए बताया आपको। रूल बड़ा सिंपल है कि आप आई क्रॉस जे के लिख लें, जे क्रॉस के आई लिख लें, के क्रॉस आई जे लिख लें, और अगर आपका सीक्वेंस चेंज होता है तो यहाँ साइन नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक, फॉर्मूलाज क्लियर हैं? अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा, आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, आपको बी वेक्टर भी दिया हुआ है, और आपको इस बार क्या निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, डॉट नहीं, जैसे डॉट निकालना था वैसे क्रॉस निकालना है। तो क्या रूल है, आप ए वेक्टर की जगह पूरा ए वेक्टर लिख लें, क्रॉस बी वेक्टर की जगह पूरा बी वेक्टर लिख लें, एज इट इज लिख लिया, और बीच में डॉट नहीं है, बीच में क्रॉस है। देखो या तो डॉट होगा या क्रॉस होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी ना हो,
वेक्टर प्रोडक्ट में कुछ तो होगा ही होगा, दो प्रोडक्ट, दो टाइप के प्रोडक्ट हैं, या तो डॉट है या क्रॉस है। डॉट हमने कर लिया, अब क्रॉस है, तो क्रॉस आपने अपनी तरफ से डिलीट नहीं करना, हटाना नहीं है, रखना है। क्रॉस शुरू करें, हर टर्म को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, नौ टर्म्स आएंगे। करते हैं स्टार्ट, आए क्रॉस टू आए, टू बाहर आ गया, आए क्रॉस आए, यहां और यहां माइनस आए क्रॉस जे, इसको इससे टू इंटू आए क्रॉस के, फिर जे को इससे टू इंटू जे क्रॉस आए, माइनस जे क्रॉस जे, टू इंटू जे क्रॉस के, फिर के क्रॉस आए, टू इंटू के क्रॉस आए, माइनस के क्रॉस जे, टू इंटू के क्रॉस के। तो कर लोगे, क्रॉस जरूर लगाना बीच में, बिना क्रॉस के नहीं करना। तो ये नौ टर्म लिख लोगे सारी की सारी। ये स्टेप समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब फॉर्मूला जो याद कर रखे हैं, क्या याद किए हुए हैं, आई क्रॉस आई क्या याद किया था, जीरो, फिर ऐसी जे क्रॉस जे क्या है, जीरो, के क्रॉस के क्या है, चलो ये तो जीरो कर दो, फिर आई क्रॉस जे क्या है, के, आई के क्या है, माइनस जे, जे आई क्या है, माइनस के, और जे और के क्या है, आई, के आई क्या है, जे, के क्रॉस जे क्या है, माइनस आई, और ये तो जीरो ही है। तो आप यहां पर एक काम करें, ये तो हट गई टर्म, माइनस के कैप, यहां से टू इंटू माइनस जे कैप, यहां से टू इंटू माइनस के कैप, फिर ये जीरो हो गई, टू इंटू आई कैप, टू इंटू जे कैप, माइनस माइनस प्लस आई कैप, आई की टर्म आई में, जे की टर्म जे में, के की टर्म के में, ऐड करके आंसर आ गया। तो कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट से तो अच्छा नहीं है, डॉट तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा पहले फॉर्मूले करो, क्रॉस लगो, सीक्वेंस का ध्यान रखो। हम इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे, लंबा है बहुत, हम नहीं करेंगे इसे। हाँ, तरीका सही है, तरीके में प्रॉब्लम नहीं है, हम इसका एक शॉर्टकट करेंगे। उस शॉर्टकट में हमें अगर कोई भी फॉर्मूला नहीं आता, हम तब भी क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर निकाल देंगे। आप भूल जाओ आपको कोई फॉर्मूला आता ही है, ऊपर वाला भूल जाओ, आपका तब भी एक मिनट में आंसर आएगा, और बढ़िया मेथड है। करें स्टार्ट, तो मेथड टू करते हैं, फिर से सेम क्वेश्चन है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये लो ए वेक्टर बी वेक्टर लिख लिया, मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। जब मुझे इसमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो मुझे क्या करना है इसमें, तो इसके अंदर पहले मुझे मैट्रिक्स बनाना है, ये लाइन खींचो, ये मैट्रिक्स बनेगा। आप इसकी हेडिंग दोगे, क्या हेडिंग दोगे ध्यान आगे, आए माइनस जे के, आए जे के नी, आए माइनस जे के, सेकेंड टर्म माइनस ही होती है इसमें। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, आए माइनस जे और के, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो आपने पहले मैट्रिक्स बनाना है, और फिर आपने क्या लिखना है हेडिंग में, आए माइनस जे के, हर क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है, राइट। इसके नीचे ए वेक्टर के कोफिशेंट्स बोलो, आई का कोफिशेंट वन, जे का कोफिशेंट वन, के का कोफिशेंट वन, वन वन वन। फिर बी वेक्टर का कोफिशेंट बोलो, टू माइनस वन टू, बन गया मैट्रिक्स पूरा। तो यहां तक बना लेंगे, ये पूरा मैट्रिक्स बन जाएगा, कोई डाउट इसमें? अब इसको खोलना कैसे है, इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम यहां पे ये ध्यान से देखने वाला है, आई से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई कैप, आई कैप लिखा, आई कैप के नीचे जो नंबर्स हैं और ये जो लाइन है इसको छोड़ दें, भूल जाएं, राइट, इसको भूल जाएं, ठीक। तो आपको इसमें चार नंबर दिखेंगे, एक दो तीन और चार। तो पहले आपने क्या लिया, आई कैप, आई कैप के नीचे गए और साइड के सब चीजें भूल जाओ, चार नंबर देखेंगे आपने, लेफ्ट से स्टार्ट होने, दिस नंबर इंटू दिस नंबर, इसे मल्टीप्लाई कर दें, तो वन इंटू टू माइनस माइनस दिस नंबर इंटू दिस नंबर माइनस वन इंटू माइनस वन। तो ये स्टेप क्लियर है। तो रूल नंबर वन, आई कैप लिखा, आई कैप के नीचे के नंबर को छोड़ दिया, चार नंबर दिखे, यहां से स्टार्ट होने, वन इंटू टू माइनस वन इंटू माइनस वन, ये स्टेप क्लियर है। नेक्स्ट फिर शुरू करते हैं, फिर आपने लेना है माइनस जे कैप, ये लिखा आपने माइनस जे कैप, माइनस जे कैप के नीचे जो नंबर है और साइड पे, ये भूल जाओ। फिर आपको क्या दिखे, चार नंबर दिखे, एक दो तीन और चार। तो आपने लेफ्ट हैंड से शुरू होना है, तो वन इंटू टू माइनस
टू इंटू वन, ये स्टेप क्लियर है? तो ये टर्म लिख ली, फिर आपने फिर से क्या लिखा, के कैप, ये रहा के कैप, के कैप के नीचे और साइड भूल जाओ, फिर आपको चार नंबर दिखे, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये देखो वन इंटू माइनस वन माइनस वन इंटू टू, तो यहां से आप इसे सॉल्व करो, टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो थ्री, टू माइनस टू माइनस वन माइनस टू, तो ये सॉल्व करके आएगा थ्री आई कैप, ये जीरो हो जाएगा, और ये माइनस थ्री के कैप, चेक करो आपका आंसर वही आ गया। उसमें फॉर्मूले याद करने पड़ने हैं, इसमें फॉर्मूले याद ही नहीं करने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसमें ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, आपने मैट्रिक्स बनाया, सबसे पहले क्या लिखना है, आई माइनस जे और के, फिर कोफिशियंट्स लिखने हैं, ए के वन वन वन, टू माइनस वन टू लिख लिया, फिर स्टार्ट कहां से करना है, आई कैप से, आई कैप लिखें, आई कैप के नीचे के नंबर्स को भूल जाएं, चार नंबर दिखेंगे, तो वन इंटू टू माइनस वन इंटू माइनस वन, ये लिख लिया, फिर माइनस जे कैप लिखें, इसके नीचे के नंबर को भूल जाएं, वन इंटू टू माइनस टू इंटू वन, ये भी क्लियर है, फिर के कैप लिखें, वन इंटू माइनस वन माइनस टू इंटू वन, ये भी क्लियर है, सॉल्व करें आंसर आएगा। अब एक काम करें, इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद ट्राई करें, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, इसका आपने क्या बनाना है, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा। तो इसमें आप सबसे पहले यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बनाना चाहते हैं इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखेंगे आई माइनस जे के, ए का कोफिशेंट क्या है, टू माइनस थ्री फोर, बी का कोफिशेंट वन फाइव माइनस सिक्स, क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आई कैप से, आई कैप, आई कैप के नीचे के नंबर्स को छोड़ दें, तो माइनस थ्री इंटू माइनस सिक्स माइनस फोर इंटू फाइव, तो माइनस थ्री माइनस सिक्स फोर एंड फाइव, क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक, तो नेक्स्ट अब क्या टर्म आएगी, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप के नीचे के नंबर्स को छोड़ दें, तो क्या आएगा, टू दिस नंबर इंटू दिस नंबर माइनस दिस नंबर इंटू दिस नंबर, यानी कि टू इंटू माइनस सिक्स माइनस वन इंटू फोर, क्लियर है यहां तक? लास्ट है यहां पर के कैप, अब के कैप के अंदर, के कैप के नीचे के नंबर को छोड़ देते हैं, तो दिस नंबर इंटू दिस नंबर माइनस दिस नंबर इंटू दिस नंबर, यानी कि टू इंटू फाइव, टू इंटू फाइव माइनस माइनस थ्री इंटू वन, तो ये स्टेप सबको क्लियर है? ठीक, बस हो गया सॉल्व, आई कैप यहां से क्या आएगा, माइनस एटीन, यहां से क्या आएगा, माइनस ट्वेंटी, कितना आया, माइनस कैसे, ये प्लस हो गया ना एटीन, हाँ तो ये प्लस एटीन हो गया, ये माइनस ट्वेंटी हो गया, राइट, माइनस टू हो गया, माइनस जे, ये माइनस ट्वेल्व हो गया, और ये माइनस फोर, तो माइनस सिक्सटीन, प्लस के कितना, थर्टीन, तो आंसर आएगा माइनस टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस टन आंसर। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है वेक्टर्स की?
ठीक है, और ये मेथड ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस आई माइनस जे की अपने आप ही आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक, कर पहले वाला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जल्दी आंसर देगा आप।